लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत नहाए खाए के साथ शुरू हो गई। 31 को उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ चार दिनों के पर्व का समापन होगा। दिवाली के बाद चार दिवसीय छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजधानी लखनऊ में गोमती के किनारे घाटों की साफ सफाई पूरी कर ली गई। पूर्वांचल समेत उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों के लोग गोमती किनारे छठ पर्व में शामिल होंगे। वहीं लोक गायिका संजू सिंह से बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता ने। आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आज से हो गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त गोमती घाट पर साफ सफाई चल रही है। आज से जो बेदी बनाने का काम है वो भी शुरू हो चुका है और आज से जो नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक गायिका संजू सिंह जी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करें। मैम, आज से इसकी शुरुआत हुई है, किस तरीके से इसको मनाया जाता है, क्या उत्साह रहता है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। सबसे पहले सभी छठ व्रतियों को मैं लोक गायिका संजू सिंह हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। और आज से नहाए खाए से छठ व्रत का आगाज हो चुका है। कल खरना का व्रत है, दिन भर हमारी व्रती महिला 24 निर्जला का व्रत धारण करेंगे और शाम को रसियाव और पूड़ी खा करके पारण करेगी। लेकिन नमक तो आज से ही छूट जाता है, तो ये फिर उसके बाद 36 घंटे का उनका निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। इस व्रत में हम देखते हैं कि हर चीज पे गाना होता है, क्योंकि अगर हम बात जब प्रसाद बनता है उस वक्त भी, जब अर्घ दिया जाता है उस वक्त भी, तो कुछ आपसे हम जानना चाहेंगे कि कुछ अपने गीतों के माध्यम से बताएं किस तरीके के गाने जो लोग गायके गाते हैं और दर्शकों को भी आप सुनाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि देखते हैं कि जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है वो लोग बाजा गाजा के साथ आते हैं, पूरा यहाँ तक डांस भी कराते हैं। बहुत तरह के मनौतियाँ होती है, बेसिकली ये पुत्र के लिए लोग करते हैं और जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो कोसी भी भरते हैं। तो मैं आपको प्यारा संगीत जो कि हमारे पति की रचना है, वो बहुत अच्छे राइटर हैं, सिंह साहब बीके सिंह जी नाम है उनका, तो मैं ये प्यारा संगीत सुनाते कहाँ वाले आवेला आजन बाजन अवेरू साजन लोग हे, कहाँ वाले आवेला आजन बाजन अवरू साजन लोग हे, कहाँ वाले आवेले आदित माल कहाँ वा आंजोर भैले हे, नई हर से आवेला आजन बाजन अवरू साजन लोग हे, स्वर्ग से आवेले आदित माल धरती अंजोर भैले हे, मिली जाहू सखिया सहेलिया त मंगल गावहूँ हे, घटिया पर अइले सूरज माल अर्घ देबे चालहूँ हे, घटिया पर अइले आदित माल अर्घ देबे चालहूँ हे। गीत आपने गाया है, वाकई में इसमें गीत में ताकत होती है कि 36 घंटे तक जो व्रत होता है, क्योंकि निर्जला व्रत और इतना बड़ा तपस्या कि दो बार अगर हम ढलते हुए सूरज को भी देते हैं और उगते हुए सूरज को भी, तो कई बार हम वो भी गीत सुना जाना कहेंगे जो जब हम अर्घ देते हैं उस वक्त भी कई ऐसे लोकगीत हैं जो काफ़ी फेमस है और लोग उसको गुनगुनाते हैं, तो वो भी कुछ गाना आपसे जाना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल, और अर्घ देते समय लोग गाते हैं कि सूरज देव, अन्य दिनों में ऐसा लगता है कि सूरज भगवान जो है जल्दी निकल आए, और छठ के दिन जिस दिन सूरज भगवान को अर्घ देना होता है जो समापन के दिन, उस दिन बहुत लेट लगाते हैं, बहुत मनोरथ कराते हैं, तो उसमें सखी कहती है अरे खाड़ा बाड़ी गौरा माई खाड़ा बाड़ी गौरा लेके सुपली नरियर से उगी उगी सूरज देव, अर्ज कर महादेव उगी उगी सूरज देव, अर्ज कर महादेव उगी उगी सूरज देव, पौनिया में खाड़ा बाड़ी बहे शीतला हरी अब त सूरज देव निकाली आई बहरी, पानिया में खाड़ा बाड़ी बहे शीतला हरी अब त सूरज देव निकाली आई बहरी, घाट पे आई गईले घाट पे आई गईले ऋषि मुनि देव उगी उगी सूरज देव, अर्ज कर महादेव उगी उगी सूरज देव, अर्ज कर महादेव उगी उगी सूरज देव।
शुक्रिया आपका मैम। जिस तरीके से मैम ने गाना सुनाया और वाकई में ये एक ऐसा पर्व है कि इसमें हर एक जब हम काम करते जाए हम इसमें हम फलों की तैयारी जब कोई सामान खरीदते हैं जब प्रसाद की तैयारी करते हैं यानी कि कोई भी इसमें अगर हम चीज़ें करते हैं इसमें गाने जो है वो बने हुए हैं और उन गाने के माध्यम से लोग गुनगुना कर इसको पूरे पर्व को मनाते हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त घाटों पर भी पूरी सफाई चल रही है, लोग अपनी अपनी जो वेदी है वो बनाने का काम कर रहे हैं। और कल यानी कि आज तो नहाए खाए फिर खरना और उसके बाद यानी कि 30 तारीख को जो है वो ढलते हुए सूरज को अर्घ देंगे और उसके बाद 31 तारीख को जो है जब सूर्योदय होगा उस वक्त अर्घ देर के इस पर्व को यानी कि 4 दिन का जो ये महापर्व है लोक आस्था का इसको मनाने का काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अश्विनी सिंह अनादि टीवी लखनऊ।